हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आफरीन और ये है मेरी एक छोटी सी फ्रेंड रेशमा। हाय बोलो। हाय। ओके, मैं मास्क खोल देती हूँ, ठीक है? तुम भी खोल सकते हो, अभी कोई नहीं है यहाँ पे। ओके, सो पता है मैंने बहुत दिनों तक कोई न्यू वीडियो अपलोड नहीं किया है, आप लोग बार बार मुझे कमेंट करके बोल रहे हो। तो आज मैं जिस जगह पे जा रही हूँ वो वहाँ पे मैं एक्चुअली मैं ब्राइडल मेकअप कराऊंगी, बंगाली ब्राइडल। एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत सारे लोगों ने मुझको कहा कि मुझको बंगाली ब्राइडल मेकअप एक बार ट्राई करना चाहिए, तो आज मैं उसी के लिए जा रही हूँ। और मैं कहूँगी कि आज मेरी शादी है, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए। और मुझे जो कुछ भी चाहिए मैंने सब कुछ ले लिया है, और बाकी मैं आपको वहाँ पे जाके बताऊँगी। तो यस, अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ और बैठ गई हूँ, और अभी शुरू होने वाला है तांडव। शुरू कीजिए, रेडी हूँ एकदम। और अच्छा, आपके पास हैंड ग्लव्स नहीं है? नहीं, हैंड ग्लव्स तो नहीं यूज करते हैं। अच्छा, उस हैंड सैनिटाइजर लगाई थी ना, उनको उनको जरा दो। मुझको पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, और उनके पास तो ग्लव्स भी नहीं था, हैंड सैनिटाइज़र भी नहीं था। मैं हर वक्त अपने बैग में अपने पास हैंड सैनिटाइज़र को कैरी करती हूँ। तो ये जो साफ़ कर रही है मेरी स्किन को, इसमें कुछ खास चीज़ नहीं था, हल्का एक टोनर का स्मेल आ रही थी, बाकी तो पानी जैसा ही फील हुआ। उसके बाद आ गया ये प्राइमर, पता नहीं ये कौन सा प्राइमर था, बट मुझे अच्छा लग रहा था, अच्छा फील हो रहा था। ये प्राइमर काफ़ी अच्छा ही है, मैं बुरा नहीं बोलूँगी। अब मैं हर वक्त बुरा थोड़ी ना बोलती हूँ, जो बुरा है उसको बुरा कहती हूँ, जो अच्छा है उसको अच्छा कहती हूँ, क्योंकि मैं अच्छी लड़की हूँ। हाँ, बट ये क्या है? ओ माई गॉड, ये तो फेयर एंड लवली है। मैं फेयर एंड लवली को ख़राब नहीं बोल रही हूँ, अच्छा है, फेयरनेस क्रीम है, बट यहाँ पे आपको मॉइस्चराइज़र लगाना था दीदी। मुझे लग रहा है शायद इनको फाउंडेशन नहीं लगाना है, इतना ज़्यादा फेयर एंड लवली क्यों लगाया आपने? प्राइमर इतना अच्छा लगाया और इतना ज़्यादा फेयर एंड लवली, ऐसा लग रहा है जैसे फाउंडेशन लग रहा है मेरे फेस पे। फेस मेरा एकदम से ड्राई कर दिया इन्होंने, और एकदम सफ़ेद वाला डिटर्जेंट पाउडर जैसा सफ़ेद हो गया, और बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गया। क्या बताऊँ अब। अच्छा, कितने बजे तक आप ख़त्म कर दोगे मेकअप? मतलब रात को शादी है ना, तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा जल्दी भी जाना है। नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा। अब बंगाली ब्राइडल सजा रहे हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मतलब क्या है? सच में ज़्यादा टाइम लगा ही नहीं, एक घंटा भी नहीं लगा। ये दीदी बहुत ही अल्ट्रा टैलेंटेड है, पक्का आप इसका मेकअप देखो, आपको पता चल जाएगा कि इतना कितना ज़्यादा टैलेंटेड है ये दीदी। आईब्रोज में क्या प्रोडक्ट यूज़ हो रही है इसको तो मैं देख नहीं पाई, बट आप लोग मेरी आईब्रोज देखो, एक को किया राम और दूसरे को किया रावण। देखिए, आपको तो सिचुएशन पता है ना, मतलब इस सिचुएशन में ज़्यादा तामझाम से कोई शादी नहीं कर पाएगा, तो उस हिसाब से बहुत ही कम लोगों को लेके हम लोग ऐसे शादी कर रहे हैं, तो इसीलिए मतलब मैं खुद के फ़ोन पे कुछ ऐसे मतलब मेमोरीज के लिए मैं रख रही हूँ, और कोई बात नहीं है। अच्छा, बहुत ही कम लोग मतलब फैमिली वगैरह सब रहेंगे, और बाहर का कोई नहीं। इस कंसीलर का क्या ब्रांड है ये तो मैं देख नहीं पाई, बट आपको नहीं लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही सफ़ेद हो गया मेरी दांत की तरह? मैं आईज़ क्लोज कर लेती, बट आपका जो ब्रश है इसको देख के मुझे बहुत ही दुख हो रहा है, और मुझे पुरानी कुछ बातें याद आ गई। जब मेले में हम लोग जाते थे बचपन में, तो हम लोग ऐसे ही ब्रश का सेट खरीदते थे, बट वो तो बहुत ही पुराने ज़माने की बात है। आप कुछ तो कर लो यार, आप पैसे कमा रहे हो यहाँ से, आपको तो कुछ तो करना चाहिए अच्छा सा ब्रश। ज़्यादातर लोगों के पास ब्रश ही नहीं होते, पता नहीं ये लोग मेकअप आर्टिस्ट कैसे बन जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इन लोगों ने कोई कोर्स करके रखा है, शायद ऐसे ही मेकअप कर देते हैं। अब इतना ज़्यादा ग्लिटर इन्होंने यूज़ किया कि मेरे पूरे फेस पूरा एकदम ग्लिटर ही हो गया है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं रो रही हूँ। यही वाला टिश्यू पेपर उन्होंने फोल्ड करके मेरी स्किन को साफ़ किया था, अब उसी से ही ये काम चला रही है। कितना टैलेंटेड है, मैंने पहले कहा था कि ये दीदी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, आप खुद ही देख लो कितना टैलेंटेड है, मैंने कही थी झूठ। अब ये आगे एक छोटू सा क्यूट सा एक आई शेडो पैलेट लेके, और वहाँ पे जो ब्रश फ्री में आते हैं मतलब मेकअप पैलेट के साथ, उसी से वो काम चला रही है, और वो थोड़ा सा शायद कटक्रीज करने की कोशिश कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है, उनको जो ठीक लग रहा है, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, जो मन में आ रहा है, मतलब ये सब नहीं है उनके पैलेट में, बट जो भी है उसी से थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर रही है। चलो देखते हैं कितना मेकअप आता है, मतलब कैसा आता है। वैसे एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि आप लोग बहुत सारे लोग कहते हो कि मैं वीडियो इतना लेट क्यों अपलोड करती हूँ, बट मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इन सब लेडीज़ को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, इतना भी आसान नहीं है इन लोगों को ढूंढना। फिर पार्लर में तो हम वीडियो अलाउड नहीं करते, तो जो लोग मेकअप का कोर्स करके घर पर बैठ के, या फिर थोड़ा बहुत मेकअप का मैंने सुना है इनके बारे में कि ब्राइडल मेकअप वगैरह करते हैं, तो उन्हीं के पास मैं चली जाती हूँ ढूंढने के बाद। अब ये फेस मेकअप है या आई मेकअप है कुछ समझना मुश्किल है, क्योंकि फेस में भी मेकअप है और आई में भी है, बट ओ ये क्या है?
मेरी जिंदगी, मेरी क्या बताऊँ, मेरी तो लाइफ ही पूरी ख़राब है। शायद जहाँ जाती हूँ वहाँ पे लोग पोछा लेके आ जाते हैं, अब उसी टिशू से ही काम चला लेते। अब इस पोछे को, एक रुमाल है ये, और पता नहीं ये किसका यूज़ है, कोरोना ना हो जाए मुझको, प्लीज़ यार प्रे करना मेरे लिए। तो उसी को उन्होंने वॉश करके थोड़ा सा पानी में भिगो के उसी से मेरी स्किन को साफ़ कर रही है। अब ये वाइट काजल लगा रही है लैक्मी का, और मतलब थोड़ा सा भयानक इफ़ेक्ट देने के लिए, ताकि लोग आके डर जाए मुझे देख के, मतलब सभी शायद सोचने लगे कि ये कौन सी चुड़ैल आ गई है शादी करने के लिए। तो इसीलिए उसको भयानक बनाने के लिए वो ये काजल यूज़ कर रही है। आप लोग इसको देख सकते हो कि इसको लगाने के बाद मैं कितना ज़्यादा भयानक दिख रही हूँ, मतलब मेंढक जैसी दिख रही हूँ, पता नहीं कैसी दिख रही हूँ, बट अजीब सा कुछ कहना मुश्किल है, आप लोग ही बता दो कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो अभी लग रहा है मेरा आईलाइनर, और ये लैक्मे का है, और इनके पास ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे ही है, बट इनका मेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं है, ऑनेस्टली बिल्कुल अच्छा नहीं है। मेकअप पसंद तो आ रहा है ना आपको? आई मेकअप अच्छे से हो रहा है ना? हाँ अच्छा ही है, मतलब ओवरऑल लुक देखने के बाद ही डिसाइड होगा ना, मतलब हाँ ठीक ठाक ही चल रहा है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ बहुत अच्छे कर रहे हो आप मेकअप, इतना अच्छा मेकअप तो मैंने किया लाइफ में बहुत किया तो वही कर रही हूँ, और इसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे कितने दिनों से कर रहे हो ब्राइडल मेकअप? पार्टी मेकअप भी करते हो ना? हाँ पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप सब करते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ से बहुत दिन से कर रही हूँ यहाँ पे। मतलब घर पे ही आप करते हो मेकअप? घर पे ही कर देते हैं ना हम, सीख कर घर में ही करते हैं जो आता है। अच्छा। हाँ आजकल तो बहुत लोग है जो ब्राइडल मेकअप कोर्स करके घर पे ही करते हैं। शाम को शादी है तो आप बता सकते हैं, घर पे जाकर भी कर देते हैं कहीं कहीं? नहीं बस टाइम था, ऐसा कुछ नहीं है तो सोचा आ जाऊं, इसलिए। रिसेप्शन भी तो होगा वहाँ पे, अगर कहेंगे तो वहाँ पर जाकर मेकअप करवा देंगे। नहीं रिसेप्शन का कुछ प्लान नहीं है, मैंने कहा था ना आपको एक ही दिन पे हम लोग फंक्शन करके सब कुछ कर रहे हैं, रिसेप्शन नहीं करेंगे। अच्छा ये जो व्हाइट कलर का आपने जो लगाया ना, इससे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है मुझको आँखों में, तो मुझे लगता है इसको आपको क्लीन कर देना चाहिए थोड़ा सा। आप वो ये दीजिए, मैं खुद क्लीन कर रही हूँ। मेरे ख्याल से अब देखो मुझे उस पोछे से अपनी आईज़ को क्लीन करनी पड़ रही है, क्योंकि मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। और उन्होंने वो जो वाइट कलर का लगाया था, शायद वो जहरीला था या फिर एक्सपायर्ड कुछ भी था, मुझे इतना ज़्यादा खुजली हो रही थी ना आँखों में, मैं पागल हो रही थी, इसीलिए मुझको साफ़ करना पड़ा उसी पोछे से। क्या अगर वो जो वाइट कलर का आपने वो क्या है वो लगाया ना, उसके बाद बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, मैं सह नहीं पा रही हूँ, इसीलिए आप थोड़ा सा ठीक कर दीजिए। आप अगर इनका फेस देखते ना तो आप लोगों को पता चलता। हाँ पता है मेकअप करने के बाद अगर कोई इसको रिमूव कर दे ऐसे तो गुस्सा आ जाती है, लेकिन अगर आँखों में किसी का खुजली हो, आँख तो बहुत सेंसिटिव होता है ना, तो आँखों में अगर खुजली हो तो क्या करे इंसान, करना पड़ता है ना ऐसा। शायद वो एक्सपायर्ड था, कुछ भी हो सकता है, मेरी आँख में अंधी हो सकती थी सच में, मैं हर वक्त ऐसे ही होता है मेरे साथ, बहुत ही मेरा लक ही ख़राब है एकदम मेकअप के मामले में। पता है ओट्स मेकअप मैं दिखाती हूँ, बट ओट्स में भी तो थोड़ा बहुत अच्छा इंसानियत होता है ना, बट मैं जहाँ पे जाती हूँ उनके पास से इंसानियत का ही नाम नहीं होता है, मुझे मारने की कोशिश करते हैं सब। रहने दो यार, आप इतना कोरोना पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं है, रहने दो मैं ऐसे ठीक हूँ, ये मेरा स्किन है फ्लोन नहीं, कौन समझेगा ये बात। अब ये आ गया फाउंडेशन, और ये फाउंडेशन है लैक्मे का, और इसका शेड भी हाँ ठीक ठाक ही है, कोई बात नहीं कर दो। ब्लेंडर तो ब्यूटी ब्लेंडर नहीं यूज़ करता? नहीं ब्लेंडर से हाथ से ज़्यादा आसानी होती है। मैंने पहले ही कहा था ये लेडी अल्ट्रा टैलेंटेड है, ये हाथ से सब कुछ करेगी, वही एक छोटा सा ब्रश लेके, मतलब वो मैं इसको झाड़ू नहीं कर सकती हूँ क्योंकि झाड़ू का कुछ है ही नहीं उसके अंदर, वो बहुत ही बीमार एक झाड़ू है, तो वो उसी से काम चलाती है। अब देखो फाउंडेशन कैसे ब्लेंड करती है, फाउंडेशन इन्होंने बहुत ही ज़्यादा लगा दिया, और इनका जो हाथ है वो तो फाउंडेशन में एकदम भर गया टोटली, और वो कोशिश कर रही है इसको ब्लेंड करने की, पता नहीं क्या कर रही है, बट बहुत ही टाइम लगा रही थी, बहुत टाइम से वो कोशिश कर रही थी, ब्लेंड किए जा रही थी किए जा रही थी, बट सारे फाउंडेशन उनके हाथों पर लग रहे हैं और मेरे फेस पर लग रहा है जैसे आटा मैदा लगा हो। उन्होंने सोचा कि यार मुझसे ये नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा हो गया, और उसके बाद वो आ गई उसी टिश्यू पेपर से साफ करने के लिए। वो टिश्यू मेरी नोज पिन में अटक गई थी और उसी को उन्होंने खींच दिया। उफ
इतना जोर की लगी थी मेरी नाक में, मैं क्या बताऊँ, वैसे भी मेरी नाक जो है बहुत ही नाजुक है और ये लोग पता नहीं क्या करेंगे, मेरा नाक ही ना उठा के लेके चले जाए ये लोग। तो अभी आ गया ये कॉम्पैक्ट पाउडर जिसका कुछ ब्रांड मुझे दिखा नहीं है और मैं देख नहीं पाई, और ये काफ़ी वाइट वाइट जैसा है, और बाकी आप लोग देखो, अभी देखो मैं एकदम वाइट चुड़ैल दिख रही हूँ, फेस एकदम वाइट वाइट। मेकअप का सबसे भयानक पार्ट मस्कारा, बहुत डरती हूँ मैं इससे, मेरी आँख ना चली जाए। मस्कारा ना आपको ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हल्का करके दे दीजिए, क्योंकि पिछली बार ना मैं एक बार गई थी पार्लर लेडी के पास, उन्होंने मस्कारा मेरी आँखों के अंदर डाल दिया था, तब से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ इससे। हाँ आप तो अच्छे से देंगे ही ना, आप तो अल्ट्रा टैलेंटेड हो ना, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड, आपको अल्ट्रा टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट का अवार्ड भी बहुत ही जल्द मिलने वाला है, ट्रस्ट मी। तो लाइफ में पहली बार मैंने पहनी है ये बिंदी, और इससे हाँ मैं अच्छी दिख रही हूँ, एकदम बंगाली ब्राइड जैसी, घोड़े बोधू। बट ये क्या कर रहे हो आप यार, फिर से आ गए आप ये बीमार वाला झाड़ू लेके, आप हाईलाइटर लगा रहे हो इसी से, और ऐसा लग रहा है जैसे आप पेंटिंग कर रहे हो मेरे फेस के ऊपर, और अभी तो आप उंगली भी यूज़ करना चालू कर दिया, क्या चाहते हो यार, आप पूरा फेस अभी चमकाओगे कि आप थोड़ी ना मैं चांद हूँ, या फिर मैं कुछ चांदनी हूँ, या फिर चांदी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझे चमकाना बंद करो, ऐसा थोड़ी ना मैं कुछ जिन का चिराग हूँ, मैं बहुत ही उल्टा सीधा बक रही हूँ मुझे पता है, बट ये कोई तरीका नहीं हुआ, आप ऐसे किसी को ऐसे नहीं चमका सकते हो आप यार, हाईलाइट एकदम भर के दिखा रहे हो जैसे मैं, सच में मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप लोग ही बता दो मैं कैसे दिख रही हूँ इस मेकअप में, इतना हाईलाइटर चमका दिया, मतलब मेरे पुराने लिपस्टिक को रिमूव नहीं किया, अच्छा लगेगा इसके ऊपर। मेरे कहने के बाद उनको याद आया कि हाँ ये इसमें तो पुराने लिपस्टिक लगे हुए हैं, तो वही टिश्यू से वो साफ़ करने लगी, उसमें फाउंडेशन कॉम्पैक्ट वम्पैक्ट सब कुछ, जितना भी डर्ट वर्ट था सब कुछ वहाँ पे लगा हुआ है, उसी से वो साफ़ कर रही है, मतलब काम चला रही है और कुछ नहीं। ये जो लिपस्टिक है इसका कलर बहुत ही ज़्यादा लाल है, एकदम खून की तरह, बट कैमरे में कुछ खास दिख नहीं रही है, आप लोगों को शायद अच्छा लगेगा, बट मैं बार बार आप लोगों को एक ही चीज़ बताऊँगी कि रियल में और कैमरे में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होते हैं, आप लोग अगर सेल्फी कैमरे से जब आप लोग फ़ोटो खींचते हो तो आप लोग इसका फ़र्क तो सबको ही पता है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब ये जो लेडी है ये मेरी होठ को होटल बनाने की कोशिश कर रही है, आप लोग देखो होठ को खींच के नीचे कहाँ पे लेके जा रही है, मेरी दाढ़ी पर आ गए, ऐसा लग रहा है इतना बड़ा होठ लिप्स मेरे नहीं है, क्यों इतना बड़ा कर रहे हो आप यार, बंद करो, बीच में खाली है ना। देखो ये लेडी कितना ज़्यादा टैलेंटेड है, बीच में वो दूसरी कलर लगा रही है, कहाँ से मिला आपको इतना टैलेंट पता नहीं, मैं ना जिनके जिनके पास से आज तक मैंने मेकअप किया तो आप सबसे ज़्यादा टैलेंटेड आप ही हो, आपके पास ही सब कुछ है, आपका ज्ञान का भंडार है, तो उन लोगों को भी, उन लेडियों को भी मैं आप लोग आपके पास लेके आऊँगी ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत ज्वेलरी वूलरी पहन लिया, और मेरा जो हेयर स्टाइल आप लोग देखो, मतलब ठीक ही है, मैं अपना हेयर को बर्बाद नहीं करने दूंगी बिल्कुल, इसीलिए मैंने उनको सिंपल सा कुछ करने को कहा। तो ये लेडी अभी कर रही है कॉल का, बंगाली ब्राइडल है, ब्राइडल लुक है, तो ये जो होता है कॉल का उसमें करते हैं, और वही बीमार झाड़ू के पीछे के हिस्से से वो कर रही है, कुछ पाउडर जैसा कुछ चीज़ें लगा रही है, और इससे पॉइंट 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 बना रही है। इसका तो कलर मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कुछ, मतलब बहुत ही हल्का कलर है, ड्राई होने से आ जाएगा धीरे धीरे। अच्छा अच्छा, मैंने कभी किया नहीं ना, मुझको पता नहीं। अच्छा यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 हो गए हैं, तो यहाँ पे और एक होगा। हाँ लगा है, अब तक खत्म नहीं हुआ। मैंने कुछ ज़्यादा ही बक रही हूँ पता है, देखा मैंने खुद का इंसल्ट खुद ही करवा दिया, मैं उनको बता रही हूँ कि यहाँ पे 5 हुआ है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे और एक होगा, मैं ऐसे कर रही हूँ जैसे मुझे, उनको पता ही नहीं कि यहाँ पे 4 है, वहाँ पे 5 है, और इसके यहाँ पे एक होगा, ये हो। मैं शायद पागल ही हो गई हूँ पता है, ये मेकअप देख के कोई भी पागल हो जाएगा, बट हाँ कैमरे में मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ, बहुत ग्लैमरस दिख रही हूँ, बट रियल लाइफ में बहुत ही भयानक दिख रही हूँ। वैसे नेक्स्ट आपको कौन सा वीडियोस, मतलब कौन सा मेकअप देखना है आप लोग मुझको ज़रूर बताना, और एक जो चीज़ है वो है, वैसे ये सब मेकअप आर्टिस्ट ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, खास करके ये कोरोना के टाइम पे, पहले मुझे पता लगाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है इन सब लेडीज़ का पता, और उसके बाद मुझे पता लगाना पड़ता है उनका एरिया में किसी को कोरोना वोरोना हुआ है या नहीं, तो उस हिसाब से फिर मैं जाती हूँ, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है मुझे। तो यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट ब्राइड बन गई हूँ, और मैं ये सब कुछ साथ लेके गई थी तो ये पहन लिया, अब बताओ मैं कैसी दिख रही हूँ। हाँ हो गया। अच्छा
आप बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। हाँ हाँ आप तो कहोगे ही, बट अंदर से आप सोच रहे हो कि ये बिल्कुल डाइन दिख रही है। और मेरा कॉलका जो है वो आप देखो, मतलब बच्चे भी इससे अच्छे बनाते हैं शायद, पता नहीं इन्होंने क्या किया ये, मतलब अच्छा। तो आप थोड़ा सा 2500 से कम ले लीजिए, ठीक है? मतलब नहीं यार, देखिए बहुत ही सिंपल मेकअप किया ना मैंने, और देखो आपको बाल को भी ऐसे ही रखने दिया मैंने, मतलब कम काम करना पड़ा ना आपको। नहीं अभी लॉकडाउन में ऐसे ही हालत, शादी के सिवा कोई आते नहीं है ज्यादा, ढाई से कम नहीं होगा, ढाई देना पड़ेगा। ठीक है फिर, क्या बताओ। अच्छा पार्टी मेकअप भी करते हो ना? हाँ पार्टी मेकअप वगैरह भी कर देते हैं। तो उसमें कितना चार्ज करते हो? वो पार्टी मेकअप होता तो 2000 में कर देते हैं, थोड़ा कम है। अच्छा ठीक है फिर, कोई बात नहीं, जब बैठ कर दे पापा दे। ठीक है फिर चलते हैं। हाँ फिर से आएगा अगर किसी को मेकअप करवाना हो तो कहिएगा यहाँ से। हाँ हाँ जरूर जरूर बताएंगे। तो गाइस मैं आ गई हूँ घर वापस, जैसे तैसे मैं घर पर आई, मतलब मेरा ये भूतिया शक्ल छुपा के लोगों से, अच्छा हुआ रीजू गया था मुझको लाने के लिए वहाँ से, वरना मैं कैसे आती ऐसे हालात पे। तो बात ये है कि एक मिनट पहले मैं इसको खोलती हूँ। तो आप लोग जो वीडियो में देख के आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि मेरी स्किन जो है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है, काफ़ी अच्छी मेकअप हुई है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग अगर रियल में मुझको देखते ना इस हालत पे, इस फेस को लेके, तो आप लोग पक्का डर जाते। इतना घटिया लग रही हूँ मैं, मेरी स्किन इतना बेकार लग रही है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों से, बहुत ही ज़्यादा भयानक मैं दिख रही हूँ। और वैसे ऐसे टाइप के मेकअप मैंने पहली बार किया है, मतलब बंगाली ब्राइडल इतना, और इतना भयानक मेकअप भी पहली बार किया है। इस वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको इस टाइप के वीडियोज देखने हो तो, अगर नहीं देखने हो तो कोई बात नहीं। और एक जो चीज़ है वो ये है कि आप लोग मुझको इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, अगर फॉलो ना करो तो भी चलेगा, आप लोग वहाँ पे मुझको मैसेज कर सकते हो, इससे पता चलेगा आप लोग क्या देखना चाहते हो, कैसे टाइप्स के वीडियोस देखना चाहते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझे कहो तो। ओके फिर चलते हैं, मैं चलती हूँ, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, मैं फिर से आऊँगी आप लोगों से मिलने, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आई लव यू।